ओ भाई ये चीजें मत कर, भाग रही है चीजें मत कर, ये भाग रही है जहाँ तेरा वाला भाई का घर दिए। हाँ दादा बाहर बैठ सकता। हाँ क्या बोल, बहुत बड़ा गुंडा तो क्या जानता कौन है बाहर? एक फोन आएगा तू सॉरी मांगेगा। बहुत सारे आपने कंट्रोवर्सी वीडियोस देखे होंगे इस बंदे की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग ने थंबनेल भी देख लिया हो तो आप लोग समझ रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ रजत दलाल की। और रजत दलाल इतना कंट्रोवर्सी में क्यों रहते हैं आज उसके बारे में जानेंगे। और ये बंदा भी फिलहाल बिग बॉस 18 में है। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मैं इरफान आलम, आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। सो आज हम बात करने वाले हैं रजत दलाल के बारे में, जो फरीदाबाद हरियाणा से बिलोंग करते हैं और वो एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है। और उन्होंने डेडलिफ्ट में काफी सारे मेडल्स जीते हैं और उन मेडल की वजह से उनको नाम फेम पैसा नहीं मिला, उन्होंने खुद बताया। और कंट्रोवर्सी में आने की वजह से उन्हें काफी ज्यादा नाम फेम पैसा मिला और इसके बारे में समझेंगे इस वीडियो में। जब वो चैंपियनशिप खेलते थे तब उन्हें लोग ज्यादातर नहीं जानते थे और फिर वो धीरे धीरे कंट्रोवर्सी में आने लगे तो उन्हें धीरे धीरे लोग जानने लगे। मैं खुद नहीं जानता था, फिर उनकी एक मैंने वीडियो देखी और वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। और आप लोग यहाँ साइड स्क्रीन्स में भी देख सकते हो, ये वीडियो आप पहले देख लो उसके बाद बात करेंगे। आप लोग ने जैसे देखा वीडियो, गाड़ी ज्यादा स्पीड में थी तो गाड़ी में कुछ टकराने की आवाज आई। तो गाड़ी में जो बैठे थे उन्होंने बोला भी कोई गाड़ी से ठोक गया है, तो उन्होंने बात पे ध्यान नहीं दिया और गाड़ी स्पीड में कट मार के लेके चले गए। ये वाला वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ और इसकी वजह से रजत दलाल कंट्रोवर्सी में बहुत ज्यादा है। और वो बोलते हैं मैं किसी को हार्म नहीं पहुंचाता, ये नहीं करता। और किसी को भी मतलब वो नॉर्मली धमकी दे देते हैं, किसी को भी मैं सॉरी बोलवा दूंगा, कोई मेरे बारे में कुछ बोलेगा तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। अभी हाल में आप लोग ने देखा होगा, अभी एजाज खान के साथ भी थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, तो एजाज खान बोल रहे थे ये वो, तो इन्होंने भी थोड़ा बहुत बुक किया। तो ऐसी सारी इनकी कंट्रोवर्सी चलती रहती है जिससे इन्हें लोग और देख रहे हैं कि भाई है क्या, ये कौन है जो दिन दहाड़े सबको ऐसा धमकी दे रहा है कि सॉरी बुलवा दूंगा, ये कर दूंगा, बहुत सारी चीजें। तो इसी बात को ले लेंगे और ये भाई इसी फेम को लेके भाई गया है बिग बॉस में। और बिग बॉस में भी इनकी ये सच्चाई धीरे धीरे आ रही है कि भाई ये कैसे है रियलिटी में। और रियलिटी में बिग बॉस जाने से पहले इन्होंने ये बोला था कि मैं अपना जो वो दिखाना चाहता हूँ जो मैं दुनिया नहीं देख पाई है। और बिग बॉस में जाने के बाद ये जो बोल के गए थे वो चीज़ें तो ना करके जो बाहर साइड करते थे, बिग बॉस में भी ये वही कर रहे हैं। बिग बॉस में भी सबको दिन दहाड़े धमकी दे रहे हैं कि हाँ ऐसा वैसा बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और जो ये रियलिटी में जो बताने गए थे दुनिया को, दिखाने गए थे कि मैं ये हूँ वो हूँ, पर ये कुछ नहीं कर रहे वैसा। और बिग बॉस में भी सेम चीज़ें ये रिपीट कर रहे हैं जो बाहर रिपीट कर रहे थे। सलमान खान ने भी इनको समझाया और बहुत सारे घर वाले ने भी समझाया और भी गेस्ट आए थे वो लोग ने भी इनको समझाया, पर इनको समझ में नहीं आया। गेस्ट के सामने भी इन्होंने भी सेम स्पीच पे बात की, सेम टोन में बात किया और वही चीज़ें रिपीट की जो वो बाहर करते हैं सेम चीज़। तो बहुत सारी चीज़ें इनकी हैं जो रियलिटी में बाहर भी सेम है और अंदर भी सेम है। और जो दुनिया को दिखाने के लिए अंदर गए थे वो चीज़ पर वो दिखा नहीं रहे, और जो बाहर रिपीट कर रहे थे वही अंदर भी रिपीट कर रहे हैं। और ऐसी सारी चीज़ें चल रही हैं और आगे भी ऐसी शायद चलती रहेंगी, क्योंकि यही इनकी सच्चाई है और कुछ है नहीं जो लोगों से ये बताना चाहते हैं। और बात रही है चैंपियन वगैरह की, तो एक अच्छा इन्फ्लुएंसर है और करते थे लोगों को, पर क्या मालूम इन्फ्लुएंस करते करते ये ऐसी सारी चीज़ें कंट्रोवर्सी में कैसे आने लगे और सबको ऐसा धमकी क्यों देने लगे मुझे भी नहीं मालूम। आगे और भी देखेंगे और बिग बॉस में क्या हो रहा है। अगर आप बिग बॉस नहीं देख रहे हो तो प्लीज़ जाके देखो, तो इनके बारे में और ज्यादा डिटेल्स में मालूम चलेगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते गाइस नेक्स्ट वीडियो में। बाहर बैठ सकता। हाँ क्या बोल, बहुत बड़ा गुंडा तो क्या जानता कौन है बाहर? एक फोन आएगा तू सॉरी मांगेगा। Here I come. जेल में था तो इक्वली खाना क्यों नहीं दिया? अकेले दम पे बोला करो। अरे भाई बोलता नहीं हूँ, बजाता हूँ।
ये चूने की गली थी ना, ले छू दिया। बाढ़ ले तेरे पे क्या बाढ़ आ जाए, तेरे जैसे 36 आते हैं। देख वहां तक छोड़ने जाऊंगा तुझे मैं। इतना जो शरीर लेके आया क्या उखाड़ लिया उसमें। देखो गुरु जी आपका चेला खड़ा होता है आपके लिए। भाई,